This conference will now be recorded. नमस्कार दोस्तों, ये नया साल में आपका ट्रेडिंग अच्छा चल रहा है भरोसा है मुझे। चलिए देख लेते हैं कि मार्केट में अभी क्या हो रहा है, क्या डेटा पॉइंट है, अभी आने वाले दिनों के लिए क्या व्यू पॉइंट है, देख लेते हैं। पहली चीज है डिस्क्लेमर है, ये वीडियो में जो भी मेरा व्यूज है मेरा खुद का व्यूज है, और ये व्यूज के ऊपर ट्रेड लेके कुछ नुकसान किया तो आप मेरा जिम्मेदारी नहीं है, आप आपका फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ट्रेड ले लीजिए। पहली चीज है एफआई डाटा देख लेते हैं। एफआई का थोड़ा लॉन्ग बढ़ाया 12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का इंडेक्स फ्यूचर में बढ़ाया कॉन्ट्रैक्ट्स, अभी क्यों क्लाइंट का उन लोग ने भी शॉर्ट बढ़ाया, अभी क्लाइंट ने तकरीबन 5,000 कॉन्ट्रैक्ट का शॉर्ट बढ़ा दिया, और प्रोफिट ट्रेडर्स उन लोग ने क्या किया और 5,000 का बढ़ा दिया शॉर्ट्स। ओवरऑल में देखा तो बस एफआई ने लॉन्ग में है, बाकी सब लोग शॉर्ट में पड़ा अभी, तो ये हालत है अभी पोजीशन में ओपन इंटरेस्ट का। अभी एक जो एक ऐड किया मैंने, अभी तकरीबन इधर देखा तो एफआई का देखो कि ऊपर आता ना, एग्जैक्टली ऑपोजिट है इन लोग का, अभी शॉर्ट बढ़ाते रहते हैं इन लोग लॉन्ग बढ़ाते रहते हैं। अभी ये लॉन्ग शॉर्ट रेशियो देखा तो अभी 70% खड़ा है, अभी इतना 63% था एक्सपायरी के बाद बढ़ा दिया वापस, शायद जैसा मैं बोल रहा था संडे की वीडियो में 14,200 तक ऐसा खींच के लेके जाएंगे उसके बाद ही शायद मार्केट थोड़ा आ सकता है, लेकिन आपको 14,000 का जो है एक लाइन ऑफ कंट्रोल की याद रखने का, 14,000 के नीचे भी ही बस खाली आपको बेस के बारे में और शॉर्ट के बारे में सोचने का, उस टाइम तक आपको लॉन्ग में रहना पड़ेगा, आपको कंफर्ट नहीं है तो लॉन्ग मत जाओ शॉर्ट मत जाओ बस, क्योंकि अभी क्या थोड़ा फंसने के चांस होता है, कभी भी एक झटका दिया तो नीचे कुछ ना कुछ रीजन बोल के उन लोग निकल जाएंगे, 50,000 कॉन्ट्रैक्ट एक ही दिन निकलना बड़ा मुश्किल नहीं एफआई के लिए, वो याद रख लीजिए। और कैश मार्केट में देखा तो कैश मार्केट में आज भी थोड़ा खरीदर किया, 1,800 करोड़ का खरीदर के कैश आज भी, मतलब नया साल भी चालू कर दिया कैश खरीदने का, लेकिन डीएस का जो बिकवाली जो है थोड़ा कमती हो गया, बस खाली 700 करोड़ का बिकवाली किया, नेट में प्लस में आ गया अभी मार्केट में। और ये देख लेते हैं स्टॉक फ्यूचर्स में भी क्या है, स्टॉक फ्यूचर्स का पोजीशन देखा तो आपने पूरा हाईएस्ट पोजीशन तकरीबन 5,18,000 का फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स तो स्टॉक फ्यूचर्स में खरीद के रखा है इन लोग क्लाइंट्स ने, लेकिन इन लोग ने इधर इधर भी बढ़ा दिया था एक्चुअली, आज स्टॉक फ्यूचर्स में इन लोग भी बढ़ा दिया था तकरीबन 11,000 कॉन्ट्रैक्ट्स का स्टॉक फ्यूचर में बढ़ा दिया था एफएस ने, थोड़ा लॉन्ग पोजिशन चल रहे हैं हम लोग, क्योंकि इधर देखा तो इधर स्टॉक पुट ऑप्शन तो उतना नहीं है, अभी 1:1 है इधर, शायद हेजिंग रखा है उन लोग ज्यादा, तो लॉन्ग भी नहीं बोल सकते और शॉर्ट भी नहीं बोल सकते, हेज करके पोजिशन रखा है, कभी भी नीचे आने के लिए वेट कर रहे शायद एफएस भी, तो अच्छा न्यूज के लिए वेट कर रहे शायद उन लोग भी रेडी हो जाएंगे। और अभी ओपन इंटरेस्ट का देखा तो अभी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 13,500 में खड़ा है, अभी 13,500 का पार करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसको थोड़ा ट्रैक कर सकते, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, ये उन लोग हो सकता है कि 13,500 का ब्रेक कर दिया तो शायद ऊपर और जा सकते हैं, लेकिन पीसीआर जो है बहुत कमती में आ गया, ओवरसोल्ड में आ गया, 0.6 में आ गया एक्चुअली, 0.6 में आ गया, शायद कल ऐसा अच्छा नीचे आके 0.5 में आके वापस रिवर्स करने का भी चांस है, सो संभाल कर रही है, अभी अभी शॉर्ट चलने का मौका नहीं है इधर, क्योंकि इतना ओवरसोल्ड में शॉर्ट नहीं करने का बैंक निफ्टी में। अभी निफ्टी में देखा तो उल्टा हो गया, उल्टा इधर 1.13 में कड़ा है, इधर 1.13 थोड़ा अच्छा बुलिश है निफ्टी में, आईटी स्टॉक्स बस खाली खींच के जा रहे ऊपर निफ्टी को। अभी ओपन इंटरेस्ट का हाल देखा तो निफ्टी के केस में 14,500 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है, उसके बाद 14,200 का, और पुट में 14,000 का पुट खड़ा है, तो जो भी गिरावट आए तो फर्स्ट ये 14,000 का जो है उन लोग ने फर्स्ट क्लियर करना देख लेते हैं, उसके लिए फोकस कीजिए 14,000 पुट का, उस टाइम जब क्लियर करते हैं उस टाइम ही अच्छा था मोमेंटम आ सकते नीचे के लिए, लेकिन एक्सेल डैशबोर्ड भी दिखा लेता आपको। अभी क्या है इधर पूरा का पूरा बिल्टअप हुआ था 14,050 में पुट बिल्टअप हुआ, अभी शायद ये फोकस करने पुट खरीदने का तो आपको बस खाली
ये लोकेशन में आपको देखना पड़ेगा, पुट करने के लिए अच्छा मौका आएगा। आज मैं जो दिया था 3100 का पुट, शायद आपने अच्छा पैसा बनाया होगा, शायद 100 पॉइंट 200 पॉइंट जो भी बनाते हैं प्रॉफिट बनाए तो अच्छा है। उसके लिए पूछना मांगते हैं, क्या है कि मैं तो 296 में 295 में कुछ तकरीबन आ गया था, लेकिन उधर उसके बाद 500 तक गया था। ठीक है, क्या बहुत सारे लोग ऑप्शन बायर्स क्या करते हैं, अभी उन लोग को प्रॉफिट आ गया 300 में, शायद बहुत भागता है 400, उधर जाके खरीदने के नहीं, आपको 100 पॉइंट 150 पॉइंट 200 पॉइंट जो भी प्रॉफिट आता है, बाहर आ गया तो बाहर आ गया उसका लिए, उसके बाद अंदर वापस घुस गया तो जो प्रॉफिट कमाए वापस देना पड़ता है मार्केट को। ठीक है, अभी ऑप्शन बायर्स के लिए क्या है, कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं होता है, मैं इतना प्रॉफिट किया और भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं और भी कर सकते हैं बोल के सोच के अंदर जो प्रॉफिट वापस दे सकते हैं वो थोड़ा संभाल के ट्रेड कीजिए। साइकोलॉजी मैनेज करना पड़ेगा आपको, प्रॉफिट हर रोज मार्केट तो चलने वाला है, कुछ ना कुछ आएगा ऑप्शन अपॉर्चुनिटी, वो आपको ले सकते हैं अंदर मार्केट में। अभी पूरा का पूरा निफ्टी तो बुलिश है और बैंक निफ्टी तो थोड़ा बेरिश है, थोड़ा हाई ओवरसोल्ड में गया अभी बैंक निफ्टी ने, शायद थोड़ा टाइम खींच सकते हैं। अभी ऐसा बोला मैंने अस्ट्रा व्यू की हिसाब से शायद कुछ अच्छा मौका आ सकता है परसों के लिए, शायद नेगेटिव है, शायद वो दिन थोड़ा संभाल के ट्रेड कीजिए, लेकिन कल के लिए तो अस्ट्रा व्यू हमारा पॉजिटिव है, हमारा एस्ट्रोवी कल के लिए देखा तो पॉजिटिव है, सो उसके लिए लेकिन न्यूट्रल आ रहा, अभी हमारा ओवरऑल भी न्यूट्रल है, संक्रांति पॉजिटिव है, बस जैसा आज बोल रहा हूँ कि जब भी न्यूट्रल आता तो मतलब आपको प्लस माइनस 135 पॉइंट, जो 135 पॉइंट नेगेटिव में जब उसको नीचे जाता है उस टाइम आपको थोड़ा संभल के ट्रेड करने का, नेगेटिव बेस में जाने का, नहीं तो आपको पॉजिटिव मूड में रहने का कल के लिए, क्योंकि नेगेटिव तो नहीं दिख रहा कुछ ऐसा मैं जैसा बस, लेकिन ये विश्व करना बोलते हैं ना, वो भाद्र दोष जो है वो सुबह चालू कर देते हैं, खाली सिलेक्ट सुबह सुबह नेगेटिव जोन के अंदर गया तो शायद मतलब आज का क्लोजिंग के नीचे जाना शुरू कर दिया, उतना मोमेंटम बिल्डअप हो गया तो शायद आपको थोड़ा संभाल के ट्रेड करने का, नेगेटिव और बढ़ सकता है शायद, थोड़ा ये खतरनाक मिस्टेक करना है, मतलब ऐसा ऊपर गया तो पॉजिटिव और भी खींच के ले सकते हैं, नहीं तो नीचे ट्रेंडिंग मूव कल के लिए थोड़ा ज्यादा संभावना है, सो ट्रेंडिंग मूव के लिए तैयार रह लीजिए, और थोड़ा शॉर्टिंग करते समय कॉल पुट जो भी करते हैं स्टॉप लॉस करके करना, स्टॉप लॉस के बिना मत काम करना, और चार्ट भी देख लेते, चार्ट में ज्यादा कुछ कास्ट नहीं, अभी प्रीमियम भी अच्छा खासा है, अभी स्टॉक स्पॉट पर 212 और बैंक निफ्टी तो तकरीबन 150 का प्रीमियम चल रहा अभी, और पूरा सब पॉजिटिव में, अभी बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों किसी को भी देख लीजिए टेक्निकली देखा तो कुछ भी कोई बेरिशंस नहीं दिख रहा है। अभी बैंक निफ्टी का 15 मिनट चार्ट देख लीजिए, इसमें तो रेंज बाउंड आ रहा है, अभी रेंज बाउंड आ रहा है इस पूरा, आप देखो 30 तारीख से इतना सा रेंज में आ रहा है, अभी ये रेंज को ब्रेक करते हैं तकरीबन 31,000 का ब्रेक करके नीचे आता है, और ये 30,500, ये 500 पॉइंट के ऊपर नीचे घूम रहा है, जब ब्रेक करता है 500 पॉइंट का तुरंत मुनाफा आ जाएगा, अब थोड़ा तो संभल के फास्ट ट्रैक पे चल सकते हैं, इसके नीचे और उसके नीचे, ये जो ट्रेंड लाइन है इसका बहुत सारा इम्पैक्ट आ रहा है, देखो कि ये ट्रेंड लाइन जो प्लॉट किया हुआ देख लेते हैं कि हावरली चार्ट में, ये ट्रेंड लाइन बहुत अच्छा रेस्पेक्ट दे रहा है अभी बैंक निफ्टी में, ये ट्रेंड लाइन को जब ब्रेक करना शुरू करता है आपको सीधा नीचे आने का संभावना है बैंक निफ्टी में, ये थोड़ा ट्रेंड लाइन डाल के देख के रख लीजिए, क्योंकि अभी इचिबुक क्लोड का भी नीचे आने का संभावना है अभी, और इसका निफ्टी का भी देख लेते हैं 1 आवर का, 1 आवर का देखा तो इधर सपोर्ट जो आ रहा है 14,000 के अंदर आ रहा है, तकरीबन आपको 14,000 का 14,050 का कॉल को बेचने का सोच सकते हैं, आपको बेचने का तो, क्योंकि आपको 2 लॉट खरीदते हैं कॉल ऑफ पुट ऑप्शन, अभी बाद में उसमें ज्यादा प्रॉफिट नहीं आता, मोमेंटम पकड़ना पड़ता है आपको, जब भी पुट ऑप्शन कॉल ऑप्शन खरीदते हैं आपको ट्रेंड का स्टार्टिंग में खरीदना पड़ेगा, उसके बाद वो पिरामिड नहीं करने का, एक जो भी खरीदा खरीदा 2 लॉट 4 लॉट 5 लॉट जो भी खरीदा खरीदा, उसके बाद वो प्रॉफिट बुक करके वापस आने का, बस खाली अंदर नहीं घुसने का, वापस वो पिरामिडिंग करने का मौका नहीं देता, अभी आज भी देखो पुट क्या अच्छा सा मौका नीचे आया था और उसके बाद वापस पूरा रिवर्स हो गया था, जैसा मार्च जब 5 मिनट का चार्ट में देखा तो जैसा मार्च का जो गिरावट है उसके बाद जो पूरा रिकवरी होता है, ऐसा से बहुत सारा सिचुएशन आ रहा है अभी आजकल, कब ऐसा गिर के वापस नहीं आएगा, एक दिन आएगा उससे वो फंसने का नहीं है, उधर संभाल के ट्रेड कीजिए, और ज्यादा कुछ नहीं है, पूरा बुलिशनेस है,
बस बैंक निफ्टी वीक है और निफ्टी थोड़ा स्ट्रांग है। निफ्टी जब वीकनेस हो जाता है, बड़ी बुरी तरह से गिरेगा, उसके लिए 14,000 का जो लाइन ऑफ कंट्रोल वो याद रख लीजिए। 14,000 के नीचे जब जाना शुरू करता है उस टाइम ही आपको थोड़ा बेरिश आने का उस तर, लेकिन अभी जो एफआई डाटा जो पूरा बुलिशनेस है, जब वो साफ करेगा उसको पोजीशन को, उस टाइम ही मार्केट में थोड़ा आ सकते हैं नीचे। वो एस्ट्रो वे में भी आज एक हफ्ते के लिए थोड़ा ज्यादा नेगेटिविटी कुछ नहीं है, जैसा बोला ये धनुष संक्रांति में, अभी धनुष संक्रांति में ज्यादा कुछ गिरावट का नहीं देख रहे हैं, ऊपर नीचे हो सकते हैं, ज्यादा करेक्शन को नहीं देख रहे हैं अभी नियर बाई टाइम पे। जो अगले आने वाले हफ्ते में जो एस्ट्रो वे में उस टाइम बताएगा कि कब के लिए थोड़ा नेगेटिविटी तो उसके बाद दिख रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं कि क्या है, क्योंकि अभी पी रेशियो सब ज्यादा है, अभी सब लोग बोलना शुरू किया है कि हर्षित मेहता का टाइम पे 56-57 चल रहा था, अभी और भी जाने का संभावना है, ऐसा बात करना शुरू कर दिया सोशल मीडिया में। कुछ भी है जो भी है, आपको संभाल के ट्रेड करने का आपका पैसा है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू, बाय।